अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। मैं बताना चाहता हूँ आपको आज की लेक्चर्स कौन से अवेलेबल हैं थर्ड ईयर के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से लेक्चर सुनने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर्स अवेलेबल कौन कौन से हैं और आपने सुनने कौन कौन से हैं। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, स्केची के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पैथोमा के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा ओस्मोसिस के भी अवेलेबल हैं, लेक्चुरियो के भी अवेलेबल हैं। अगर लोकल मार्केट की बात की जाए तो सेल्फलेस मेडिकोज को भी बच्चे सुनते हैं। अब आपने किसको सुनना है इसका फैसला आपने करना है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उसकी बिना पे आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल स्केची है। आप स्केची करें, स्केची फार्मा, स्केची पैथो, इसके बाद आप डॉक्टर नजीब को सुने। जितने भी लेक्चर्स हैं डॉक्टर नजीब के जो कि थर्ड ईयर से रिलेट करते हैं, चाहे वो फार्मा के हो चाहे वो पैथो के हो, आप उनको सुने, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा पैथोमा के सिर्फ जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर्स हैं, फोर टॉपिक्स के ऊपर, फोर यूनिट्स के ऊपर, आप उनको सुने, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं मजीद डिटेल के लिए लेक्चर्स की आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। आइए चलते हैं मेरे साथ। तो अभी हम चलते हैं कहाँ, लेक्चर्स की जानिब के आपके लिए कौन कौन से लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर मैं डॉक्टर नजीब की बात करूँ तो ये डॉक्टर नजीब थर्ड ईयर है। जितने भी थर्ड ईयर के लेक्चर्स हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। डॉक्टर नजीब के बिहेवियरल साइंस के लेक्चर्स हैं, तीन डिवेलपमेंट में हैं, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में। इसके बाद आप देखें तो जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर्स हैं, ये आपको सुनने पड़ेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे मेक योर कॉन्सेप्ट्स अपोप्टोसिस, सर्कुलेटरी शॉक, इन्फ्लेमेशन, लिंकेज एनालिसिस को आप छोड़ भी सकते हैं, इसको ना करें क्योंकि ये हमारे लेवल का नहीं है। आप एडिमा करें, नेक्रोसिस करें, नियोप्लेजिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पूरी फोर्थ ईयर सारी नियोप्लेजिया पे डिपेंड करती है, इसका आपने डॉक्टर नजीब लाजमी सुनना है। अगर आप नहीं सुन सकते, आपकी मजबूरी है कि लंबा बहुत है, बहुत ज्यादा कहानियां होती हैं, तब आप पैथोमा पे जाएं। लेकिन मेरा मशवरा ये है आप बेशक नजीब किसी का ना सुने, नियोप्लेजिया का लाजमी सुन लें बिकॉज इट विल मेक अ सेंस हाउ टू डायग्नोज एंड हाउ टू रिलेट पैथोजेनेसिस टू द ट्यूमर, बिकॉज फोर्थ ईयर सारी ट्यूमर है, कैंसर है, जिस चीज के बारे में आप पढ़ेंगे वो सारा ट्यूमर कैंसर होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नजीब के बाद नजीब की जनरल पैथोलॉजी होगी, माइक्रोबायोलॉजी के भी कुछ लेक्चर्स हैं और ये एंटीबॉडीज, ये सात एंटीबॉडीज इम्यूनोलॉजी में आती हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल सुन ले बिकॉज ये जनरल जो आपकी बैक्टेरियोलॉजी है उसका कॉन्सेप्ट बनाता है, बॉचुलिनम टेटनस टॉक्सिन का डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यूनोलॉजी का है, साइटोकाइन जो है ये भी सुन ले, ये आपके जो है इम्यूनोलॉजी के, एलाइजा भी टेस्ट है, एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पांच दफा ये पास्ट पेपर आया होगा मिनिमम। एचआईवी ना सुने, स्केचिंग में ज्यादा बेहतर दिया हुआ, ये टाइम का जिया है एचआईवी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। एचआईवी आप स्केची की सुन ले, एचआईवी वायरोलॉजी में और स्केची की पैथोलॉजी में एचआईवी सुन ले तो आपका बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी सुन ले, एमएचसी मॉलिक्यूल सुनना चाहते हैं सुन ले, टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी ये बहुत अहम है क्योंकि इम्यूनोलॉजी से एक क्वेश्चन आता है और वो हाइपर सेंसिटिविटी से ही एससीक्यू आता होता है, मोस्टली यहीं से आता है, तो ये बहुत ज्यादा अहम है। अगर आप इन सब में से पूछना चाहें मैंने एक चीज करनी है तो मैं कहूंगा हाइपर सेंसिटिविटी नजीब की कर लें इन तमाम लेक्चर्स में से। अब मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं, ये आप सुनना चाहते हैं सुन लें क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, मैं आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहा हूं जो कि आपके लिए अवेलेबल्स हैं, जो करना चाहते हैं कर लें, जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ लें। एंजाइना के ड्रग्स हैं, एंटी एरिथमिक है, एंटीबायोटिक्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, कार्डिक फेलियर के ड्रग हैं और पार्किंसन के। लेकिन मैं तो कहूंगा आप नजीब करें या ना करें, आप स्केची कर लें, आप नजीब करेंगे तब भी आपको ड्रग के नेम याद नहीं होंगे क्योंकि आप पहले स्केची करें बाद में डॉक्टर नजीब पे जाएं। मैं आपको लेके चलता हूं सबसे एंड पे, आपको स्केची पे लेके जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ पैथोमा पे। पैथोमा एक अच्छी चीज है, शॉर्ट फॉर्म है उन बच्चों के लिए जो टाइम ज्यादा नजीब हम नहीं सुन सकते नजीब, तो आप ये देखें पैथोमा के ये पहले चार हैं, ग्रोथ एडॉप्टेशन से लेकर ये हीमोस्टेसिस तक, तो ये आप चार सुन ले आपके लिए जो है सफिशियंट हो जाएगा।
और ये आपके 4 यूनिट जो है कवर, इसमें न्योप्लेजिया बहुत अच्छा बताया हुआ इन्होंने और आपको याद भी होगा। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी बहुत अच्छी बताई है, ग्रोथ एडॉप्टेशन में अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, सेलुलर चेंजेस, ये भी बहुत प्यारा बताया, और यहाँ हीमोस्टेसिस में आपको थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म भी बहुत प्यारा बताया हुआ। इसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ की चीज, कैची, द मास्टर वन, द डायमंड, ये है असल चीज करने वाली, ये है आपको जो बेस्ट बनाती है। इसमें मैं माइक्रो में गया, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, आप इसमें कोई भी तरचीब सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप वायरसेस वायरसेस स्टार्ट करें, खत्म करें। एक और डिटेल स्केची की वीडियो जिसमें स्केची माइक्रो और फार्मा के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। फार्मा की अगर मैं बात करूं, फार्मा लंबी है लेकिन याद आपको फार्मा यहीं से होगी, एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, एंटी न्यूप्लास्टिक है, ऑटोनोमिक ड्रग है, ब्लड इन्फ्लेमेशन है, कार्डियोवास्कुलर है, जेआई, एंडोक्राइन, न्यूरो और स्मूथ मसल है, ये सब है स्केची का। आप स्केची लेक्चर सुने उसके बाद बुक देख लें तो इजी है, लेक्चर से भी काम हो जाता है। अब मैं आपको मशवरा दूं, ओस्मोसिस के भी मेरे पास हैं, लेक्चुरियो के भी, आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, सबसे पहले आप फार्मा के लिए स्केची सुने, उसके बाद नजीब सुन लें, पैथो के लिए आप पैथोमा और नजीब को रख लें, और फोरेंसिक मेडिसिन के लोकल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप अपने टीचरों को अच्छे से सुने तो आपका हो जाता है। बिहेवियरल साइंसेस के भी लोकल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कोई प्रोफेशनल लेक्चर नहीं। थैंक यू, आपका कोई भी आपका मसला हो आप कमेंट में मेंशन करें इंशाल्लाह ताला, और जो भी आप जिस गाइडलाइन चाहते हैं उसके बारे में बताएं, इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।